हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ मालपुए रेसिपी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की रेसिपी है मालपुआ। तो इसे बनाने में हमें विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। जब कभी भी आपको कुछ भी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे बना के सर्व कर सकते हैं और आप खा सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने जो मालपुए बनाए वो कैसा बना है। तो चलिए हम मालपुआ को बनाना स्टार्ट करते हैं। मालपुआ को बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है: केला, मैदा, चीनी, दूध, सूजी, इलायची। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक जार को ले लिया है और केला जो हमें चाहिए वो बिल्कुल पका हुआ चाहिए। तो अब हम इसे तोड़ के और इसका एक हम बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। तो इसे अब हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसका हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार करना है। तो अब हम इसमें मैदा को डाल देते हैं, सूजी, चीनी और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। केला में हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से हम इसे फेंटेंगे और फेंटते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध को ऐड करेंगे। एक बार में सारा दूध नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध को डालते जाएंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे ढक के और 1 से 2 घंटा के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए 2 घंटा हो गया है और ये अच्छी तरीके से फूल चुका है और इसका जो थिकनेस है वो भी परफेक्ट है। अगर आपको गाढ़ा लगे तो इसमें आप थोड़ा सा दूध और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें इलायची को ऐड कर देते हैं और इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इलायची डालने से इसमें जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ये भी मिक्स हो चुका है। तो अब हमने गैस पे एक पैन को चढ़ा दिया है, पैन अब हमारा गर्म हो चुका है। तो हम इसमें ऑयल को डाल देते हैं। तो देखिए तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम थोड़ा सा बैटर इसमें डाल के चेक कर लेते हैं। देखिए इसको डालने से ये तुरंत ही ऊपर आ जाता है, मतलब हमारा जो तेल है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर को एक ही जगह डालेंगे, वो अपने आप ही फैल जाता है देखिए। और अब हम इसे आसानी से पलट लेते हैं, हल्का हल्का इसे घुमाते हुए, और अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए इसे मैंने पलट लिया है। मालपुआ को बनाने में बहुत झंझट नहीं करना पड़ता है। तो देखिए ये आसानी से पलट चुका है। तो अब हम इसे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सेक लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही कुरकुरा क्रिस्पी बनता है। तो देखिए अब हमारा जो पुआ है वो हो चुका है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। वापस से हम इसी तरीके से इसमें वो डालेंगे, बैटर को एक ही जगह डालेंगे और वो अपने आप से फैल जाता है। तो देखिए इसमें डाल दिए हैं, इसे भी हम आसानी से पलट लेते हैं। हल्का हल्का हम इसे घुमाते जाएंगे तो ये पलट जाता है। तो इसे मैंने पलट दिया है, तो इसे भी मैंने पलट दिया है। सारे पुए को हम इसी तरीके से पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छी तरीके से सेक लेते हैं। इसे हमें हल्का हल्का घुमाना होता है और देखिए ये भी हो चुका है। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। सारे पुए को हम इसी तरीके से फ्राई करके और निकाल लेंगे। आसानी से हम सभी को निकाल लेते हैं और ये हमारा पुआ तैयार हो चुका है। तो देखिए इसे मैंने सर्व कर लिया है। इसे आप कोई भी त्यौहार पे बना के सर्व कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ भी मीठा खाने का मन हो तो इसे आप फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा पुआ बनाने का रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।